प्यारे छात्रों, आज मैं आप सबके बीच संस्कृत विषय से प्रशासनिक सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस विषय को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। छात्रों की मांग पर बहुत सारे ऐसे छात्रों की बातें मेरे सामने आई और छात्रों ने जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और संस्कृत विषय लेते हैं या लेना चाहते हैं, ऐसे छात्रों ने कुछ अपनी जो बात बताई जो वह पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसे उपयुक्त पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण उपलब्ध नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में छात्रों की उस भावनाओं को देखकर संस्कृत विषय को लेकर के हम ऐसे किसी प्रशासनिक सेवा से जुड़े किसी भी परीक्षा की तैयारी को कैसे करें, उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है और विशेष रूप से संस्कृत विषय को हम कैसे इस रूप में तैयार कर पाए, इसके लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मैं डॉक्टर राजधर मिश्र, प्रोफेसर व्याकरण, अभी वर्तमान में मैं जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में कार्यरत हूँ और अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में भी कार्यभार देख रहा हूँ। चूंकि संस्कृत के व्याकरण के होने के नाते और पारंपरिक संस्कृत शास्त्रों के एक अध्येता होने के नाते संस्कृत विषय को कैसे पढ़ा जाए, संस्कृत विषयों की तैयारी कैसे की जाए और विशेष रूप से जो इस तरह के प्रशासनिक पदों की परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उस परीक्षा की तैयारी के लिए क्या-क्या हमें सावधानियां, क्या-क्या उसकी मांगें और क्या-क्या उन विषयों की तैयारी के लिए विषय को एकत्रित किए जाए, इन सारे विषयों को लेकर के आज मैं कुछ चर्चा करने आया हूँ आपके सामने। सबसे पहली बात तो ये है कि संस्कृत विषय जितना सटीक विषय है और जितना स्पष्ट विषय है किसी भी परीक्षा के लिए, इतना स्पष्ट और इतना व्यवस्थित और कोई भाषा नहीं है और कोई विषय नहीं है, क्योंकि इस विषय में जो भी बातें होती है, जो भी विषय निर्धारित होते हैं, वह प्रामाणिक तौर पर नियमों के अनुकूल बंधे हुए होते हैं। ऐसी स्थिति में चाहे शास्त्रीय अध्ययन हो, व्याकरण का विषय हो, चाहे वेद उपनिषद का विषय हो, तो थोड़ी सी सावधानी रख करके हम विषय को पूर्ण तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ध्यान जरूर ये रखना होता है हमें कि आपकी जो एमए बीए शास्त्री आचार्य की पढ़ाई है उस पढ़ाई का क्रम एक भिन्न होता है और किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का एक तरीका भिन्न होता है। आप कितनी देर पढ़ते हैं ये महत्वपूर्ण बात नहीं है,
महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जितनी देर पढ़ते हैं उस विषय को अच्छी तरह से समझ के पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, उस विषय के प्रति आपका ज्ञान दृढ़ ज्ञान है कि नहीं है, विषय की बारीकी को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है किसी विषय को तैयार करने के लिए, और हमें ध्यान रखना होगा कि किसी भी सफलता की प्राप्ति के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। किसी भी विषय के लिए, वो संस्कृत के लिए ही लागू नहीं होता, किसी भी विषय के लिए, सभी छात्रों के लिए आवश्यक होता है कि जब भी आप किसी चीज को एक लक्ष्य बनाते हो तो सबसे पहली बात कि किसी के कहने पर, किसी के प्रेरित करने पर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में या किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं, उसके बजाय यदि आपकी स्वाभाविक इच्छा, आपकी अपनी प्रवृत्ति उसके प्रति होती है तो वह ज्यादा कारगर होती है। अतः सबसे पहली जरूरत जो है, आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ ये एक संकल्प होना चाहिए कि हमें इस परीक्षा की तैयारी करनी है, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस परीक्षा की तैयारी हम क्यों करें, इसकी क्या आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के लिए हमें क्यों आगे आना चाहिए। तो यदि आपके मन में इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एक इच्छा उस कार्य को करने की प्रति होती है, उसमें एक मजबूती आती है। लेकिन बिना आप विचार किए, जल्दबाजी में निर्णय किए हुए और उस परीक्षा के लिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप इच्छा कर भी लेते हैं, लेकिन यदि मानसिक रूप से आप तैयार नहीं होते हैं तो वह तैयारी करने का जो प्रभाव है, जो तैयारी करने की जो भावना होती है, वो उतनी मजबूती से नहीं होने के कारण हम उस विषय को उस तरीके से नहीं समझ पाते। अतः सबसे पहली बात तो आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो पहली शर्त है कि स्वयं की इच्छा हो, स्वयं की इच्छा जागृत होनी चाहिए कि ये मुझे करना है, ये मेरे जीवन के लिए है, मेरे परिवार के लिए है, ये मेरी प्रतिष्ठा के लिए है, और सबसे बड़ी बात, जो मैं इस समाज को कुछ दे सकूं, अपनी सहभागिता इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए कर सकूं, इसका एक अच्छा अवसर है, इसका एक उन्नत प्लेटफॉर्म है ये सामाजिक सेवा करने से जुड़ने का। यदि आपके अंदर राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, चाहे वो सुधारात्मक कार्य की दृष्टि से हो या आपके कार्यालयीय गतिविधियों में परिवर्तन की दृष्टि से हो या देश के वर्तमान परिस्थिति में अपेक्षित सुधार की दृष्टि से हो, तो आपको उसमें आगे आने के लिए दृढ़ संकल्पित होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पहली शर्त है कि आप स्वयं की इच्छा से इसमें प्रवृत्त हो और मजबूती के साथ प्रवृत्त हो। दूसरी बात होती है इच्छा के साथ साथ उसके लिए तत्परता, क्रियाशील होना। केवल इच्छा मात्र से किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती, इच्छा के अनुकूल यदि हमारा प्रयास न हो, प्रयत्न न हो, तो केवल इच्छा से वह कार्य नहीं होगा,
उसके लिए अनुरूप आपको तत्पर भी रहना पड़ेगा, तैयारी भी करनी पड़ेगी और तैयारी करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि हमें इसके लिए किसी भी प्रकार के कार्य की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, सावधानी की ज़रूरत है, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए आपको एक नियमित दिनचर्या बनानी होगी। विषय विशेष के आधार पर हमको विषय का विभाग करना होगा, क्रमिक अध्ययन की आवश्यकता होगी और एक विश्लेषणात्मक अध्ययन की आवश्यकता होगी। तो हम नियमबद्ध तरीके से अपने को एक व्यवस्थित रूप दें और उस व्यवस्थित आधार पर क्रमबद्ध तरीके से विषय का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहें और इस तत्परता के साथ यदि आप प्रवृत्त होते हैं तो आपकी इच्छा बलवती तो होती ही है, आपको कार्य करने में एक ऊर्जा का अनुभव होता है, आपके मन में उसके प्रति जो ललक होती है वह अन्य कार्य से आपको विमुख करके और उसकी तैयारी में, उसके अध्ययन में आपको प्रवृत्त कराती है। और यह तत्परता के लिए हमें अभ्यास की भी ज़रूरत है। हो सकता है कि पहले दिन आपको पढ़ने में मन न लगे, कम समय आप बैठ पाएं, दूसरे दिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उससे अधिक देर तक बैठें, तीसरे दिन उससे भी अधिक। इस तरह से धीरे धीरे आप उस विषय के प्रति यदि बैठने की तैयारी कर लेते हैं और बैठ करके उस विषय को समझने की आदत डाल लेते हैं तो क्रमिक विषय अपने आप आगे बढ़ता चला जाता है और विषय की तैयारी होती जा रही है। तो इसलिए तत्परता बहुत ज़रूरी चीज़ है। और तत्परता के साथ तीसरी जो इसकी सबसे बड़ी बातें हैं, सबसे जो आवश्यक चीज़ें हैं वह है संसाधन, उपलब्ध सामग्री। उपलब्ध सामग्री, संसाधन, उस तैयारी करने के लिए जो भी अपेक्षित चीज़ें हैं, जो भी पाठ्य पुस्तक है, उस पुस्तक से संबंधित सामग्री है, उन सामग्रियों का भी होना और अच्छे विषय का होना, अच्छे ग्रंथ का होना, अच्छी व्याख्याओं का होना, स्तरीय ग्रंथ का अध्ययन होना, तो इस प्रकार के नोट्स, ग्रंथ, ये सारी जो इसके संसाधन हैं यह भी एक आवश्यक अंग है। जब ये तीन चीज़ें एक साथ जुड़ती है, इच्छा, तत्परता और साधन, ये तीनों चीज़ें आपके पास में है तो फिर आपकी तैयारी में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती और आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो ये दो जो चीज़ें हैं, पहली और दूसरी, इच्छा और तत्परता, ये आपकी स्वयं की है। तीसरी जो चीज़ें हैं संसाधन, वो संसाधन आपको पढ़ाने वाले चाहे अध्यापक हों, चाहे उपलब्ध सामग्री लाइब्रेरी हो या उपयुक्त अन्य कोई चीज़ें हो जहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, तो संसाधन तो बाहर की चीज़ें हैं लेकिन इच्छा और तत्परता आपकी है जो पूर्ण आपके नियंत्रण में है। उसको बनाए रखते हुए हम तीनों को साथ में लेकर के चलें और फिर विषय को पहले अच्छी तरह से समझ के चलें कि हमें करना क्या है। क्योंकि कई छात्रों की ये समस्या रहती है कि पहले उसके दिमाग में कोई संकल्पना नहीं होती, कोई एक मॉडल नहीं होता, कोई विषय की रूपरेखा नहीं होती है,
विषय का स्पष्टीकरण नहीं होता है, विषय स्वयं को छात्र को पता नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में अनजाने में विषय की तैयारी करना, व्यवस्थित तैयारी न होना, कई घंटों तक पढ़ने के बावजूद भी जो एक विषय का क्रम सन्निवेश है उसको ध्यान में न रखना, परीक्षाओं में प्रश्नकर्ता की अपेक्षाएं क्या हो सकती है, कौन कौन से इसके अंतर्गत ऐसे विषय हैं जो ग्रंथकार या उस विषय को देने वाले जो है किस चीज को ध्यान में रख करके वह विषय रखा गया, क्या उस विषय विशेष में प्रधान चीज है, इसको जाने बिना हम यदि तैयारी करते हैं तो कई बार होता क्या है कि हम पढ़ते तो बहुत देर है लेकिन समझ में भी नहीं आता, क्रमिक अध्ययन नहीं होता, हम पढ़ के जो जाते हैं परीक्षा में वह प्रश्न पत्र नहीं आता। इसीलिए आवश्यकता है कि उस विषय का अवलोकन, विषय का गहन परीक्षण और उस विषय को अच्छी तरह से पहले समझ लें कि यह विषय क्या है। उदाहरण के तौर पर संस्कृत के जितने भी विषय होते हैं या जो आपके विषय सिविल सर्विसेज के लिए जो निर्धारित है, कोई ज्यादा विषय नहीं है और न कोई कठिन विषय है, केवल थोड़ी सावधानी और ध्यान देने की जरूरत होती है। और संस्कृत की एक विशेषता है कि चूंकि इसमें विषय विशेष बहुत सटीक ढंग से दिया होता है, बारीक ढंग से उसको समझाया होता है और रखा होता है, बाहरी चीजें बहुत कम हुआ करती है, इसीलिए यदि वो विषय समझ में आ जाता है तो जितनी जल्दी समझ में आता है उतनी ही अधिक रूप में वो अंक भी दिला देता है। इसीलिए अन्य विषयों की अपेक्षा संस्कृत के छात्रों में या संस्कृत के विषय लेने वालों में संस्कृत विषय को लेकर के परीक्षा देने वाले जो छात्र होते हैं, यदि उनके प्रश्न पत्रों को देखा जाए तो अन्य विषयों की अपेक्षा संस्कृत में अधिक अंक होते हैं। अधिक अंक इसलिए नहीं होते कि उसने नहीं कुछ लिखा फिर भी परीक्षा में नंबर दे दिया जाता है, अधिक अंक इसलिए होते हैं कि विषय इतना सिमटा हुआ होता है, विषय इतना सटीक होता है कि जिसको हम यदि सही तरीके से क्रमिक हर बिंदु के ऊपर में ध्यान देते हुए पढ़ते हैं तो उससे बाहर कहीं प्रश्न जा ही नहीं सकता है। अतः हमें चाहिए कि हर प्रश्न पत्र को, हर उसके टॉपिक को एक बार पहले उसको समझे, यह है क्या चीज। उदाहरण के तौर पर आप व्याकरण की बात करें, व्याकरण में आपका सिलेबस होता है संज्ञा। अब ये संज्ञा है क्या चीज, इसमें करना क्या है, इस विषय को रखने के प्रति क्या उद्देश्य है और इससे हमको क्या सिखाना चाहता है, ये स्पष्ट पहले क्लियर होना चाहिए। ये है क्या, इसमें करना क्या है और इसका परिणाम क्या होगा। इसी तरह से हम जब काव्य शास्त्रों की बात करते हैं तो संपूर्ण महाभारत का, संपूर्ण रामायण का सामान्य अध्ययन आपके सामने रखा हुआ है। विषय में कई वर्षों तक लगातार पढ़ने के बावजूद भी रामायण का संपूर्ण अध्ययन संभव नहीं है, महाभारत का संपूर्ण अध्ययन संभव नहीं है, तो यह किसी एक वर्ष की परीक्षा के लिए
संपूर्ण रामायण और महाभारत विषय में रखा हुआ है, इसका मतलब हमको समझना होगा कि परीक्षक चाहता क्या है और हमें इसमें तैयारी किस प्रकार की करनी है। आपको एक ऐसा अध्ययन करना है कि संपूर्ण महाभारत का एक साम जितना भी उसके अंतर्गत अपेक्षित जो चीजें हैं वह कोई छूटे भी नहीं और संपूर्ण विषय की जानकारी बड़े सरल तरीके से हो जाए। तो किसी भी ग्रंथ के सामान्य अध्ययन के लिए दो चीजें होती है, दो स्वरूप होते हैं, एक बाहरी स्वरूप और एक आंतरिक स्वरूप। तो सामान्य अध्ययन जब हम करते हैं तो बाहरी स्वरूप के अंतर्गत उस ग्रंथ विशेष में कितने अध्याय हैं, कितने विभाग हैं, उन किस विभागों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, उसमें वर्णित विषय विशेष क्या है, इसकी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। रघुवंश में इतने सर्ग हैं, इन सर्गों में इतने इतने श्लोक बताए गए हैं, इस सर्ग में इन इन विषयों के बारे में बताए गए हैं, इस सर्ग में ये प्रधान घटना है, तो सर्ग के आधार पर, उस खंड के आधार पर, प्रत्येक अध्याय में वर्णित विषय के आधार पर आपको उसका अध्ययन करना होता है और उसके विषयों की जानकारी रखनी होती है। आपको परीक्षा में पूछ देगा इंदुमती स्वयंवर वर्णन किस सर्ग में है। अब यदि हम प्रश्न इतना सा ही है, इंदुमती स्वयंवर वर्णन किस सर्ग में है, यदि इस सर्ग की जानकारी ना हो, इस सर्ग में किस सर्ग में यह कहा गया है, केवल इतना मात्र पूछा गया था, लेकिन आप यदि श्लोक पढ़ने लगेंगे सारे ये कतई संभव नहीं होगा। लेकिन उस घटनाक्रम के आधार पर यदि प्रत्येक सर्ग के विषय विशेष का यदि ध्यान रखते हैं तो आसानी से प्रश्न का समाधान किया जा सकता है। तो यह एक ग्रंथ विशेष का सामान्य अध्ययन जो है बाहरी स्वरूप में। दूसरा जो पक्ष होता है उस ग्रंथ में वर्णित विषय के आधार पर, इस ग्रंथ में जो बताए गए विषय हैं, जो उसके चित्रण हैं, चाहे वो प्राकृतिक दृष्टि से हो, शास्त्रीय अलंकार की दृष्टि से हो, काव्य शास्त्र की विशेषता की दृष्टि से हो, छंद की दृष्टि से हो, अलंकार की दृष्टि से हो, तो तत्तद काव्यों में रघुवंश में किस प्रकार के अलंकार की प्रधानता है, किस प्रकार के रस की प्रधानता है, किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार के साहित्यिक विधाओं का प्रयोग किया गया है, प्राकृतिक क्षेत्रों में, प्राकृतिक वर्णनों में किस प्रकार की चीजों का वर्णन किया गया है, और उस प्राकृतिक वर्णन में कवि किन किन चीजों पर विशेष ध्यान दे रहा है, ये सारे के सारे शास्त्रीय विषय का जो सामान्य ज्ञान है, ये ज्ञान रखना शास्त्र का आंतरिक पक्ष है। इसका मतलब प्रत्येक सर्ग का विषय वस्तु, उसके कथानक और उसके शास्त्रीय जो वैशिष्ट है, जो साहित्यिक जो उसकी विशेषताएं हैं, जो काव्य शास्त्रीय जो लक्षण के आधार पर जो सिद्धांत है, उसका ध्यान रखना आवश्यक होता है, और यह कोई कठिन काम नहीं। इसी प्रकार से हम दर्शन के विषय को जब पढ़ते हैं तो मीमांसा दर्शन है क्या चीज, मीमांसा दर्शन में किस चीजों को बताया गया है, यह शास्त्र की प्रवृत्ति जिन आचार्यों के द्वारा की गई है उसका मूल चिंतन क्या है, किस विषय का इसमें प्रतिपादन किया जाएगा, वो विषय कितने हो सकते हैं, इन सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। वेदांत का दर्शन है,
तो वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन के किस रूप में आते हैं, इसके क्या क्या अंग हैं, क्या क्या इसके विषय विशेष हैं, इन सारी चीज़ों का एक संपूर्ण ज्ञान आवश्यक होता है। इसीलिए हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम विषय को क्रमिक ढंग से देखते हुए, उसकी गंभीरता को समझते हुए विषय वस्तु का चयन करें, विषय सामग्री को अच्छी तरह से पढ़ें, उसकी प्रामाणिकता के साथ में हम अध्ययन करें, तो कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो आपके लिए कठिन हो। एक संकल्प के साथ आपको चलना होगा। तो इस विषय में छात्रों के द्वारा बहुत बार इस तरह की बातें मेरे सामने में आई और छात्रों की वास्तविक परेशानी को देखते हुए, और ऐसे हमारे संस्कृत के छात्र सिविल सेवा की तरफ प्रवृत्त हो, उसके जो भी समस्याएं हैं, जितनी भी, उसका निदान मैं जितना तक कर सकता हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस भारतीय प्रशासनिक सेवा की इस परीक्षा की तैयारी के लिए संस्कृत विषय को पढ़ाने के उद्देश्य से इस विषय को मैंने आज से प्रारंभ किया है। एक एक विषय को अपन पढ़ेंगे, सारी चीज़ों का निर्णय करेंगे, और इंग्लिश माध्यम, संस्कृत माध्यम वाले जो भी छात्र हैं वो सभी इस परीक्षा को, संस्कृत विषय को लेकर के जो पढ़ने वाले हैं, वो सभी क्रमिक आप आए और प्रत्येक विषय का अध्ययन आप बारीकी से करें। और मैं समझता हूँ कि आज तक का जो मेरा अनुभव है, कि शायद ही मेरा कोई छात्र ऐसा रहा हो जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में असफल हुआ हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इस सब से जुड़ेंगे और अध्ययन क्रम को आप एक व्यवस्थित रूप दें, जिसकी तैयारी के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, केवल आप लोगों के लिए उपस्थित हुआ हूँ, इसका जितना भी लाभ ले सके, जितना भी आप इसके अध्ययन से जुड़ें, मुझे खुशी होगी कि मैं आप लोगों के लिए इस परीक्षा की तैयारी के लिए, विषय विशेष को पढ़ाने के लिए आपके सामने उपस्थित होकर कुछ आपकी मदद कर सकूं। केवल एक यही ध्येय है। यद्यप समय कम होने के बावजूद भी छात्रों की मांग पर मुझे आना पड़ा और मैं अपने को सफल मानूंगा जब आप लोग इससे विषय का लाभ लेकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इससे जुड़कर और पहले क्रमिक अध्ययन करें, फिर उसके बाद में इसका विश्लेषण करें, प्रत्येक विषय के प्रत्येक पार्ट को लेकर, उसके अध्ययन क्रम को लेकर और उसकी तैयारी के साथ हम फिर से चर्चा करेंगे क्रमिक एक एक सब्जेक्ट को लेकर के। तो मैं आज आप लोगों के बीच केवल एक सामान्य चर्चा के लिए उपस्थित हुआ था, जिसकी चर्चा मैंने की है। क्रमिक विषय का अध्ययन हम प्रारंभ करेंगे एक एक विषय से। तो चाहे अब वो विषय चयन छात्रों के द्वारा भी किया जा सकता है कि हम किस विषय को पहले लें, लेकिन संस्कृत होने के नाते और सभी जगह व्याकरण की आवश्यकता होने के नाते, मैं समझता हूँ कि व्याकरण के अध्ययन से ही प्रारंभ किया जाए, क्योंकि व्याकरण संस्कृत के सभी शास्त्रों में, वेदांगों में प्रमुख माना जाता है, प्रधान माना जाता है, और सभी शास्त्र क्योंकि शब्द में है, शब्द का अर्थ और उसके विश्लेषण की बात व्याकरण करता है, तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अतः प्रारंभ हम व्याकरण से करेंगे। आप सभी इसका लाभ लें। इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूं और उम्मीद है कि आप सब इससे जुड़कर इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद।